अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि पहले आपने इस तरह की वीडियो या इस तरह का टॉपिक देखा होगा यूट्यूब के ऊपर। आपने देखा हो ना देखा हो, मैंने नहीं देखा आज तक। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और ये बड़े खुला दिमाग रख के देखिएगा, छोटा जहन रख के इस वीडियो को ना देखिएगा। ऐसी होती हैं जो जिनका जो एग होता है ना वो फंस जाता है, वो एग दे नहीं पाती, तो उनके पेट के अंदर ही एग फंस जाता है और हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। नतीजा क्या निकलता है कि मुर्गी की मौत वाकया हो जाती है। तो अगर आपकी भी मुर्गी का एग ले नहीं कर रही, वो आपको लगता है कि उसके पेट में एग है, निशानी उसकी मैं बता दूंगा आपको क्या होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक देखिएगा और अपना जहन को जरा खोल के देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बाज मुर्गियां ऐसी होती हैं जो साल में एक दफा जो एग्स होते हैं ना वो ले करती हैं, या ज्यादा से ज्यादा दो दफा ले करती हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि वो एग ले नहीं कर पाती ब्लॉकेज की वजह से, क्योंकि ये जो एग वाली वेन होती है या नाली होती है ये सुकड़ जाती है, जिसकी वजह से मुर्गी का एग अंदर ही फंसा रहता है, वो एग ले नहीं कर पाती। ऐसी मुर्गी की निशानी यह होती है कि इसकी झोल आपको बड़ी सी नजर आएगी, यानी जो नीचे से पेट लटका होता है ना, दुम के साथ नीचे जो पेट होता है आपको वो बड़ा सा नजर आएगा, और अगर आप उसको दबाएंगे तो वो नरम भी होगा और आपको कोई सख्त चीज अंडे जैसी भी उसमें महसूस होगी। तो आप समझ जाए कि आपकी मुर्गी में एग तो आ गया हुआ है लेकिन वो बाहर आने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, लेकिन ये हर मुर्गी को नहीं आपने कर देना, पहले मेक श्योर कर लेना कि आपकी मुर्गी का एग आ गया हुआ है पेट के अंदर लेकिन वो ले नहीं हो पा रहा। तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह से चेक करना है। दूसरी निशानी ये होती है कि जब मुर्गी चलती है ना, उसे चला ही नहीं जाता, बड़ी टांगे खोल खोल के चलती है, क्योंकि उसके पेट में एग फंसा होता है, वो बाहर नहीं ले हो पा रहा होता, और जो अगला एग होता है वो भी ट्रेवल कर रहा होता है आगे। अगर ये दो तीन या चार एग इकट्ठे हो जाए और वो एग ले ना कर सके, या तो एग अंदर टूट जाता है, अगर अंदर टूट जाए तब भी मुर्गी की मौत वाकिया हो जाती है, अगर अंदर ना टूटे तब भी मुर्गी की मौत वाकिया हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने क्या टोटका कह लें या तरीका कह लें तैयार करना है, इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए होंगी। एक आपको चाहिए सरसों का ऑयल, ये आम हर घर में ही होता है सरसों का ऑयल, और एक आपको सिरिंज चाहिए, ये देख लो, एक सरसों का ऑयल एक सिरिंज। अब करना क्या आपने पहले जो एग ले करने वाली जगह होती है मुर्गी की, अच्छी तरह पानी से, नीम गर्म पानी से साफ कर लेनी है, क्योंकि जो इस तरह की मुर्गी होती है ना जो एग नहीं ले कर पा रही होती, तो उसकी जो बिट बिट वाली जगह होती है वहां पे बिटे भी चिमटी होती है 100%, क्योंकि वो ब्लॉकेज हुई होती है उसके रास्ते की। तो इस सिरिंज को आपने सरसों के ऑयल से भर लेना है, 5 cc की सिरिंज ले लें, इस तरह की सिरिंज ले लें 5 cc की, इसको पूरा ऑयल से भर लें, और आपने ये इतनी इंसर्ट करनी है एग वाली जगह पे, इससे ज्यादा नहीं करनी। पहले हल्का सा ऑयल लगा लें, फिर इतनी सी इंसर्ट करें एग जहां से मुर्गी ले करती है उस जगह पे, ये इंसर्ट करके आपने ये पूरा 5 cc जो है ये इंसर्ट कर देना है उसके एग वाली जगह पे, जितनी मैंने आपको बताई है इतनी सिरिंज आपने करके, तो आपने ये एग वाली जगह पे इसको ड्रॉप कर देना है ऑयल को, 5 cc ऑयल को। उसके बाद आपने क्या करना है, मुर्गी को पकड़ लेना परों से, दोनों परों से पकड़ लेना है, मैं पकड़ के नहीं दिखा सकता, आपको पता यूट्यूब की पॉलिसीज ऐसी हैं, तो ऐसे आपने पकड़ लेना, एक दफा आपने आगे को बल देना है उसको घुमाना है, यानी हल्का सा, एक दफा ऐसे पीछे को घुमाना है, दो तीन दफा ऐसे घुमा के मुर्गी को छोड़ दे, और इंशाल्लाह देखिएगा 1-2 घंटे में ही मुर्गी एग ले कर देगी, और ये बड़ा मुजरब नुस्खा है, और यूज करता हूँ वो थोड़ा अलहदा होता है,
लेकिन ये तरीका काफी कारगर था, इसलिए ये मैंने आपके साथ शेयर किया। इस तरह की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन ये इसलिए कर रहा हूँ कि इससे आपकी मुर्गी की जान भी बच जाएगी और वो दुआएं भी देगी, मुझे भी दुआएं देगी, आपको भी दुआएं देगी और आपको अभी नुकसान होने से बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कीमती मुर्गियां होती हैं जिनको ये मसला दरपेश आ जाता है। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसने एग ले कर दिया है और बड़ी तकलीफ के साथ और बड़ी मुश्किल के साथ ये एग इसने दिया है। 3-4 दिन से ये ऐसे ही फिर रही थी, चला भी नहीं जा रहा था। और ये अंडा देखें आप, ये देखिए, ये ऑयल की वजह से इसकी जो ऊपर वाली झिल्ली है ना, ये नरम हो गई, ये देख रहे हैं। इसकी नरम होने से इसको एग ले करने में आसानी हुई और इसने एग ले कर दिया, ये देखिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम क्वालिटी वीडियो के साथ आपको एतमाद भी देते हैं, आपको विश्वास भी देते हैं, आपको भरोसा भी देते हैं। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।